तो हेलो एंड वेलकम अगेन टू आवर चैनल टेकी मोइन। सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियोस टू गेट मोर कंटेंट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारी डिक्शनरी के, जो कि है चेकिंग फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी को प्रिंट करना और फ्रिक्वेंसीज को काउंट करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी डिक्शनरी के एग्जिस्टेंस को हम कैसे चेक कर सकते हैं, या फिर किसी डिक्शनरी की की के एग्जिस्टेंस को हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो हमने हमारा शेल ओपन कर लिया है और अब मैं शेल में आपको बताऊंगा कि हमें कैसे एक डिक्शनरी की को चेक करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं डी वन नाम से। डिक्शनरी क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ उसकी की जगह, और मैं लिख देता हूँ श्याम, और श्याम के बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कुछ भी नंबर्स, और फिर हम उसमें दो एलिमेंट्स देते हैं। तो मैंने दूसरा एलिमेंट यहाँ पर दे दिया है राजीव, और राजीव देने के बाद हम इसमें भी कुछ वैल्यूज दे देते हैं और हमारी ये डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है। तो अब हम इसमें चेक करेंगे कि की एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो की का एग्जिस्टेंस कैसे चेक किया जाता है किसी भी डिक्शनरी में, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए आपको यूज़ करना होता है मेंबरशिप ऑपरेटर्स को। तो हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? इन और नॉट इन। तो हम उससे किसी भी डिक्शनरी में कोई भी की चेक कर सकते हैं, और ये सिर्फ की चेक करने के ही काम आती है। मतलब किसी भी डिक्शनरी में अगर आप मेंबरशिप ऑपरेटर्स लगाएंगे तो उससे आप सिर्फ कीज़ को ही चेक कर सकते हैं कि वो एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, उसकी वैल्यूज़ को चेक नहीं कर सकते हैं। तो हम इसमें कीज़ को चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पर की का नाम लिखा, अब मैंने लिखा यहाँ पर श्याम, और हम यहाँ लिखते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर, और लिख दिया डी वन डिक्शनरी का नाम। तो ये ट्रू प्रिंट कर देगा क्योंकि श्याम एग्जिस्ट करता है डिक्शनरी में। बट मैं यहाँ पर कोई दूसरी ही वैल्यू दूँ, जैसे दे दूँ मैं राम, तो राम यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता हमारी डिक्शनरी में, तो ये फॉल्स प्रिंट करेगा, ये देखिए। तो इस टाइप से आप कीज़ को चेक कर सकते हैं। बट अगर हम यहाँ पर वैल्यूज़ को चेक करना चाहें, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 1, 2, 4, 5 इन D1, तो वो यहाँ पर फॉल्स जनरेट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम वैल्यूज़ को चेक नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ कीज़ को ही चेक कर सकते हैं, और 1, 2, 4, 5 नाम की कोई की यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है। तो यही है हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर्स का यूज़ करके एग्जिस्टेंस को चेक करना किसी भी डिक्शनरी में। उसके बाद हम किसी भी डिक्शनरी को प्रिंट करने का फंक्शन समझते हैं। तो किसी भी डिक्शनरी को प्रिंट करने के लिए आपको सिंपली प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना होता है। प्रिंट फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं? हमें यहाँ पर लिखना होता है प्रिंट, और सिंपली ब्रैकेट्स के अंदर डिक्शनरी का नाम, और हमारी डिक्शनरी प्रिंट हो जाती है। तो ये होता है हमारा प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके किसी भी डिक्शनरी को प्रिंट कराना। उसके अलावा मैं आपको एक जेसन मॉड्यूल के बारे में समझाता हूँ। तो मॉड्यूल्स हमने जैसे डेटा हैंडलिंग चैप्टर में पढ़े थे, उसी टाइप से एक जेसन मॉड्यूल होता है जो हमें डिक्शनरी को एक सोफिस्टिकेटेड वे में शो करने के काम आता है। तो चलिए जेसन मॉड्यूल के बारे में समझते हैं। तो जेसन मॉड्यूल से क्या कर सकते हैं आप, कि जेसन मॉड्यूल को जब आप लिखना चाहते हैं तो आपको लिखना होता है सबसे पहले इंपोर्ट जेसन, क्योंकि आप एक मॉड्यूल को यूज़ कर रहे हैं तो उसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ जेसन को इंपोर्ट कर लिया। अब आप इस मॉड्यूल में ना इसे यूज़ कर सकते हैं ताकि इससे डिक्शनरी एक सोफिस्टिकेटेड वे में, एक अच्छे वे में प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए आपको यूज़ करनी होती है कमांड जेसन डॉट डम्प्स, DUMPS, जेसन डॉट डम्प्स, और फिर आपको लगाने होंगे सर्कुलर ब्रैकेट। सर्कुलर ब्रैकेट लगाने के बाद आपको सबसे पहले लिखना है उस डिक्शनरी का नाम। तो मैंने लिख दिया यहाँ D1 डिक्शनरी का नाम, और उसके बाद आपको लिखना है वहाँ पर इंडेंटेशन का नाम। तो इंडेंटेशन का नाम कुछ भी आप लिख सकते हैं, बट हमें सबसे पहले लिखना होगा इंडेंट, और इंडेंट के बाद आप कोई सा भी नंबर दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ दे देता हूँ 2, और बस हमारा ये कमांड हो गया रन, और हमारी डिक्शनरी जो है एक सोफिस्टिकेटेड वे में प्रिंट हो जाएगी। मतलब ये स्लैश एन करके प्रिंट हो जाएगी। ये जो स्लैश एन है इससे यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नहीं बता रहा है, बट ये जो स्लैश एन होता है इससे क्या होता है कि वो एक स्पेस छोड़ देता है। हम कहीं पर भी स्लैश एन यूज़ करते हैं तो वो एक स्पेस छोड़ देता है, और नंबर्स जितना इंडेंट हम यहाँ देते हैं उतने नंबर की स्पेस वहाँ पर छोड़ देता है, और एक सोफिस्टिकेटेड वे में यहाँ पर प्रिंट हो जाती है वैल्यूज़। तो यही है हमारा जेसन मॉड्यूल का काम। उसके बाद मैं आपको अब एक फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम बताता हूँ। तो फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम के पहले हम यहाँ पर स्प्लिट का काम समझते हैं। तो स्प्लिट क्या होता है? तो स्प्लिट हम किसी भी टेक्स्ट को लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं।
जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया टी एक्स टी टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल, और उसमें हम कोई भी स्ट्रिंग लिख दें, जैसे दिस इज अ प्रोग्राम, ये हमने लिख दिया एक स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग लिखने के बाद अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे स्प्लिट फंक्शन का। तो स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करने के लिए आपको बनाना होता है एक नया ही वेरिएबल। नए वेरिएबल को बनाने के बाद आपको लिखना है ये टेक्स्ट, यानी कि आपके जो वेरिएबल पर स्ट्रिंग सेव्ड है उस वेरिएबल का नाम। उस वेरिएबल का नाम लिखने के बाद आपको लिखना है डॉट स्प्लिट। तो स्प्लिट लिखने से आपकी ये जो सिंटेक्स में आपने ये जो स्ट्रिंग बनाई है इसके हर एक फंक्शन को वो अलग अलग प्रिंट कर देगा। तो अब जब हम वर्ड्स को प्रिंट कराएंगे तो ये देखिए ये इसे एक लिस्ट में कन्वर्ट कर चुका है। तो ये इस टाइप से फंक्शन इसका परफॉर्म होता है। तो अब ये जब आपने फंक्शन समझ लिए तो मैं आपको एक प्रोग्राम बताता हूँ जिससे आप एक फ्रीक्वेंसी काउंट कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पर हमारे एक स्ट्रिंग में, कितने टाइम एक ही वर्ड को रिपीट किया गया है। तो इसके लिए मैं अपना प्रोग्राम प्रीवियसली बना चुका हूँ और मैं आपको उसे शो कर देता हूँ। तो ये देखिए मैंने आपको यहाँ पर प्रोग्राम दिखा दिया। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले जेसन मॉड्यूल लिखा है ताकि वो एक सोफिस्टिकेटेड वे में प्रिंट हो। उसके बाद हमने यहाँ पर सेंटेंस लिख दिया है। सेंटेंस में मैंने लिखा है दिस इज़ अ सुपर आइडिया, दिस आइडिया विल चेंज द आइडिया ऑफ लर्निंग। और यहाँ पर स्लैश लगाया, तो स्लैश का वर्क मैं पहले ही बता चुका हूँ, अभी भी बता देता हूँ कि ये जो फॉरवर्ड स्लैश होता है इससे हम एक लाइन की स्पेस यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद मैंने एक नया ही वो क्रिएट किया है वेरिएबल, और उसके बाद सेंटेंस डॉट स्प्लिट लिखा है। तो मतलब ये जो है ये सेंटेंस लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर डिक्शनरी, एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट की है, फिर लूप लगाया है, लूप में फिर मैंने वर्ड्स लिए। तो ये जो स्प्लिटेड वर्ड्स है इनको वो एक एक कर कर अपने इसमें इटरेट करते जाएगा। फिर की इक्वल्स टू वन, तो मैंने की जो है उसे वन पर सेट किया है। फिर अगर की जो है वो डी में नहीं होती है तो उसकी काउंट कर देगा वो की, और जब वो की को काउंट कर देगा तो उसके बाद वो हमें यहाँ पर प्रिंट कर देगा, और फिर जेसन मॉड्यूल से वो हमें एक सोफिस्टिकेटेड वे में प्रिंट कर देगा। तो अब हम रन करते हैं इस मॉड्यूल को, और ये देखिए इस टाइप से आपका फ्रीक्वेंसी वाला प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है रन होना। तो इस टाइप से आप किसी भी प्रोग्राम में फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं अपने वर्ड्स की। हमने यहाँ पर देखा कि कौन सा वर्ड कितने टाइप रिपीट हो रहा है, ये देखिए। तो दिस जो है वो एक बार आया है, इस एक बार आया, ए एक बार आया, और इस टाइप से दिस बड़े वाले कैपिटल वाला दिस एक बार आया, और ये हमारा एक सोफिस्टिकेटेड वे में शो हो गया कि फ्रीक्वेंसी किस टाइप पर कितनी बार रिपीट हुई है। तो यही था हमारे आज के वीडियो का कंटेंट। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए हमारी वीडियोज़ को, ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखते रहने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी एंड थैंक यू।